टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम जो है शील डाय घर के अंतर्गत आने वाले कल्याण फाटा इलाके पे। और आपको बता दें कि आज रात 11 बजे के आसपास में एक भयानक हादसा कल्याण फाटा जो नाका है यहाँ पर हुआ है। आपको बता दें कि एक जो है 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा यहाँ पर रात 11 बजे के आसपास में जो है गिरा है। जो हादसा हुआ है, इस इमारत का नाम जयंता नाम बताया जा रहा है इस बिल्डिंग का। रात 11 बजे के आसपास में ये हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, ये हादसा होने के बाद से ही यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। लोगों में काफी भगदड़ मच गई थी क्योंकि रात का समय था, रात 11 बज रहे थे और जो इमारत का एक हिस्सा आप देखेंगे कि जो एक हिस्सा यहाँ पर ये गिरा है, इसके बगल में ही लगकर एक चाल थी, उस चाल पर भी इसके जो कुछ मलबे गिरे हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि अब तक जो जानकारी सामने आ रही है कि इमारत का हिस्सा गिरने की वजह से किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, वैसे ही दीवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त भी यहां पर पहुंच गए और एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंची है। और लेकिन आपको बता दें कि हादसा जो हुआ है, ये इमारत काफी पुरानी और जर्जर बताई जा रही है कि इसमें जो लोग, इसमें जिनका खुद का मकान था, थाने महानगर पालिका ने उन्हें यहाँ से दूसरे जगह कुछ दिन पहले ही शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जो लोग यहाँ पर किराए पर रह रहे थे, वो बहरहाल इसी इमारत में रह रहे थे। ऐसे कई परिवार इसमें है जो अभी भी इसमें रह रहे थे। लेकिन रात 11 बजे के वक्त जब ये हादसा हुआ, उसके बाद जो है सभी लोगों को इमारत से खाली करा दिया गया है। किसी के भी हादसे में घायल होने की या जान जाने की ऐसी खबर जो है अभी तक शासन प्रशासन के अधिकारी जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने ऐसा जानकारी नहीं दिया है। बहरहाल इस हादसे को लेकर हमने दीवा प्रभाग समिति के जो सहायक आयुक्त है उनसे भी बात की है, वो भी आपको सुनाते हैं। और जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। तीसरे माले पर मैं रहती हूँ। मेरा नाम अंजू मारा असलम खान। कितने बजे हादसा? 9:30-10 बजे के दरमियान ही हादसा हुआ है। और जब ये दीवार के ऊपर तड़ा आ गया था, यानी फटने की जैसे दीवार आ गई थी, तो हमने ओनर को खबर कर दिए थे कि भाई घर की दीवार गिर रही है। तो ओनर ने ये जवाब दिया कि आप घर से नीचे आ जाओ। बस कुछ उनकी बातें ऐसे सुनकर हम नीचे आने लगे, उतने में ही हादसा हो गया। बिल्डिंग का दो उसके अंदर दो लेडीज लोगों को पैर को मार लगा और मेरे हाथ को सीधे हाथ जो यहाँ पर अधिकारी आए थे जी, उन लोगों का कहना है कि इसमें कोई घायल नहीं। नहीं नहीं, घायल हो गया है बाकायदा। उन्होंने वीडियो भी बना दिए है, स्प्रे भी मारे हमारे हाथ को, उनको वो लेडीज लोगों को हॉस्पिटल में भी भेजा गया है। अभी तक उन लोग आए नहीं है। एक लेडीज थी जो अपंग थी, उसके पैर को लगा है, वो तो पूरी धस गई थी, जिसको हम लोग ने निकाले बाहर। समझ आए? बस ये हमारे बोलने से सब जन बाहर आ गए थे। सबसे पहले हादसा मैंने देखी थी। ये बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया लेकिन अनधिकृत बिल्डिंग है। अभी ये जो बिल्डिंग बनाया, ये अभी इन लोग का टीएमसी का कहना है कि इन लोग को रूम दिया है माड़ा का, इन लोग का पुनर्वसन किया है। पर इन लोग का पुनर्वसन क्यों किया है? इन लोग ने रूम लेने के टाइम में स्टैम्प ड्यूटी भरा था शासन का? नहीं भरा था। इसमें डूब रहा है कौन? शासन ही डूब रहा है। और सिलपाटा नाके पे 30 जुलाई को एक स्लैब डाला गया, तभी मैंने फारूक शेख को फोटो के साथ में खुद बताया फोन पे। इन लोग ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद में 4 अगस्त को फिर एक स्लैब डाला। टीएमसी के लोग इन लोग को, बिल्डर लोग को प्रयोग करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। और ये ऐसे हादसे होते ही जाएंगे क्योंकि ऐसे अधिकारी रहेंगे तो ऐसे होते ही रहेंगे। सिलपाटा में डीपी रोड पे बिल्डिंग बनाना चालू हुआ है, फिर भी ये लोग रोक नहीं पा रहे हैं। और स्टे 9 बिल्डिंग का स्टे 4 अगस्त को निकला है, फिर भी ये लोग, उन लोग का पानी नहीं बंद किया है, बिजली नहीं बंद किया है। चलो ये लोग बोल रहे हैं क्या बारिश में कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो अभी मैं भी देखूंगा ये बिल्डिंग पे कार्रवाई कैसा करते है। ये बिल्डिंग को हाथ लगाने नहीं देगा। बिल्डिंग नया बनाने को इन लोग दे रहे हैं ना, तो पुराने बिल्डिंग अभी इधर आजू बाजू वाले को क्यों तकलीफ करने का देने का? आजू वाले लोग का कुछ है संबंध इससे? बिल्डिंग रहने को आया, बाजू वाले लोग ने क्या बोला था? कुछ नहीं। इधर का जमीन मालिक है, उसका कुछ गलती है? कुछ नहीं। जो कुछ गलती है, बिल्डर और प्रशासन के लोग, टीएमसी के लोग, दोनों का गलती है। दोनों के गलती पे मैं तो बोलता हूँ इन लोग के ऊपर 304 का गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग आम आदमी को मरने के लिए प्रवृत्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बिल्डिंग बनाने देते हैं। ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए गरीब क्या सोचेगा? 35 लाख का ये लेगा, रूम लेगा? नहीं लेगा। साला इधर 12 लाख का मिल रहा है वही लेगा। और ये 12 लाख का लेने के वजह से डूब रहा है कौन? गरीब।
और सबसे बड़ी बात इसमें डूब रहा है शासन। ये बात शासन के अधिकारी लोग को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उन लोग के हाथ बंधे ले रहे थे। इन लोग की टीम है, वसूली की टीम है, वही घूमते है, और ये लोग खुलेआम बोलते है काम चालू रखो, सैटरडे संडे इन लोग का काम चालू रहता है। ये धोकादायक बिल्डिंग है जयंता टावर, ये रोड रनिंग मध्ये पण गेलेली आहे, बिल्डिंग खाली आहे, कोणाला काही मार वगैरे लागलेला नाही, एक पाठीमागचं साईड ते थोडंसं पडलेलं आहे, आम्ही कारवाई करतो आता सध्या। अभी नो कॉमेंट, इसके ऊपर है ना भैया, अभी इसके ऊपर कुछ ये नहीं, अभी काम करने दो, अभी थोड़ा मुझे काम करने दो, अभी ये जी प्लस फाइव है, जो आरोप लग रहा है उस पर क्या? वो गलत है, लोग कुछ भी बोलते हैं, ऐसे थोड़ा लोग भी कैसा थोड़ा भावनिक भी होते हैं, तो उसमें बोलते हैं।